आ गया है एक नया थिंग एपेक्सेल की तरफ से। ये है एपेक्सेल का न्यू एलईडी लाइट। नहीं, ये वाला एलईडी लाइट तो था पहले, इसके अंदर एक एलईडी लाइट है और एक मैक्रो लेंस भी है। ऐसे डब्बा तो दोनों सेम का सेम दिख रहे हैं, लेकिन सेम डब्बे में अभी नया लेंस आ गया है, लेंस विथ एलईडी लाइट आ गया है। और ये लेंस है न्यू लेंस, ये है एपेक्सेल का न्यू मैक्रो लेंस, 15x मैक्रो लेंस ये है। और इसका जो थ्रेड साइज है, ये मुझे लग रहा है 37mm का थ्रेड साइज है। मैं आपको पहले से बताया था, यहाँ पे एक 17mm का थ्रेड है और यहाँ पे 37mm का थ्रेड है, तो ये 37mm में लग जाएगा आराम से। तो ये जो एलईडी होल्डर है बहुत ही अच्छा काम करता है, दोनों टाइप का लेंसेस को सपोर्ट करता है। तो ये हो गया आपका, रेडी हो गया है और मैं आपको दिखाऊंगा बहुत अच्छा अच्छा आउटपुट। इससे टेस्ट करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर और देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। डिस्टेंस है अराउंड 2 सेंटीमीटर फोकस डिस्टेंस, और थोड़ा सा वापस जा रहा हूँ पीछे, तो ये है अराउंड 3 सेंटीमीटर। तो आपको दिखा देता हूँ आउटपुट कैसा आता है आपका। तो 3 सेंटीमीटर से ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर तक ये क्लोज जाके फोटो ले सकता है। तो फोकस डेप्थ भी इसका बहुत अच्छा है, जैसे कि देख पा रहेंगे इसका टोपी और आंख सब फोकस में है। अभी बाहर चलते हैं और देखते हैं बोके इफेक्ट कैसा आता है इस लेंस से। yeah. Got the gold in my possession, no doubt in my mind, no question. I hold the keys to my successes. Greatness lives inside of me. Cut me open, bleed royalty. I've never known defeat. That's for the weak. For the throne, you better show loyalty. Nothing can stand in my way. I look it right in the face. I'm never slowing down. Yeah, I'm winning this race. Can't hold me back. Can't hold me down. It's time for me to own it now. I'm on a whole new level. तो अभी इसको हम टेस्ट करेंगे इसके ऊपर और देखते हैं कुछ एज ब्लर है क्या या फिर कोई डिस्टोर्शन है क्या। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो से पता चल रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, थोड़ा सा कर्वी दिख रहा है और एज में ब्लरी भी थोड़ा सा आ रहा है। सेंटर में आपका बहुत अच्छा फोकस में है और साइड में थोड़ा सा डिस्टोर्शन बढ़ता जाता है। इस होल्डर का पावर ऑन करने के लिए यहाँ पे पावर बटन है, तो एक बार दबा के रखने से इसका पावर ऑन हो जाता है और इसको फिर से एक बार दबाने से व्हाइट लाइट निकलता है, फिर से और एक बार दबाने से येलो लाइट निकलता है, फिर से और एक बार दबाने से दोनों लाइट एक साथ जलते हैं। और इसमें और एक अप डाउन वाला स्विच है जिसको दबाने से आपका जो पावर है कम या ज्यादा होता है। 3 लेवल का आपका ब्राइटनेस लेवल दिया गया है। इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट दिया गया है, इसके साथ आपको टाइप सी का केबल भी मिल जाता है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ये सब मैंने पहले से ही बता रखा है आपका जब मैं ये होल्डर का रिव्यू किया था। तो चार्ज होने के लिए इसको लगता है अराउंड 30 मिनट, और एक बार चार्ज होने से 1 घंटे तक आप इसको आराम से फुल ब्राइटनेस में यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे अगर ज्यादा अच्छा क्वालिटी का आपको चाहिए तो ज्यादा पे करना पड़ेगा, मैक्रो लेंस आप सेपरेटली बाय कर सकते हैं और इसमें लगा सकते हैं। और एक बढ़िया चीज ये है इस मैक्रो लेंस का, इसका जो फ्रंट में अगेन 37mm का थ्रेड दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर और एक 15x मैक्रो लेंस लगा सकते हैं, इसी टाइप का और एक 15x मैक्रो लेंस। तो इसको हम इसके ऊपर लगाना ट्राई करते हैं और ये लग गया। तो देखिए ये 15x प्लस 15x हो गया अभी 30x, तो आपका जो मैक्रो शॉट्स है अभी और ज्यादा मस्त आएंगे। तो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, तो अगर आपको हाई मैग्निफिकेशन वाला फोटो लेना है तो आप ऐसा टाइप का 2 मैक्रो लेंस लगा के इसके ऊपर 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, तो अपने हिसाब से फोटो ले सकते हैं। तो ये था इस होल्डर और 15x मैक्रो लेंस का रिव्यू। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।